पुणे पोस्ट एक्सीडेंट के मामले में नाबालिग आरोपी को 42 दिन के बाद जमानत दे दी गई। बता दें कि नाबालिग आरोपी ने रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखकर जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड पर सबमिट किया था। दरअसल 18 से 19 की रात हादसे के बाद जुबेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित कुल 7 शर्तों पर जमानत दे दी है। घटना के बाद 22 मई को बोर्ड ने आरोपी को बल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया था। हालांकि 25 जून को मुंबई हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत देते हुए कहा था कि आरोपी पर जुबेनाइल बोर्ड के आदेश की सभी शर्तें लागू रहेंगी। बल सुधार गृह से निकलने के बाद नाबालिग ने 3 जुलाई को निबंध लिखने की एक शर्त पूरी की। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नाबालिग बाकी की शर्तों को भी पूरा करेगा। इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और ट्रैफिक रूल्स समझने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करना शामिल है। साथ ही आरोपी 15 दिनों के भीतर जुवेनाइल बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगा। बता दें कि जुवेनाइल बोर्ड के आदेश के अनुसार नाबालिग ससून अस्पताल में डॉक्टरों से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ले रहा है। बता दें कि नाबालिग आरोपी के वकील ने जुवेनाइल बोर्ड में एक आवेदन दायर किया था और उस आवेदन में ससून अस्पताल को निर्देश देने की मांग की थी। फिर आरटीओ से संपर्क किया गया। जुवेनाइल बोर्ड ने आरटीओ अधिकारियों को नाबालिग के साथ कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया है। नाबालिग आरोपी आरटीओ ऑफिस में ट्रैफिक रूल्स के नियम कानून के स्टडी के बाद जुवेनाइल बोर्ड को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा। बता दें कि पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18 से 15 मई की रात 17 साल 8 महीने के नाबालिग आरोपी ने बाइक सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक युवती को टक्कर मारी जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के समय नशे में था वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। आरोपी के हादसे के बाद हिरासत में लिया गया है लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे 15 घंटे बाद ही जमानत दे दी थी। जमानत के शर्तों के तहत उसे सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ दिन काम करने और 7,500 रुपये के 2 बेल बॉन्ड भरने को कहा गया था।